नमस्कार, जनक की पुकार में आपका स्वागत है। वीरेंद्र सचदेवाने पीतमपुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुना प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवाने रविवार को पीतमपुरा में स्थानीय नागरिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना, जिला प्रभारी श्याम शर्मा, निगम पार्षद अमित नागपाल और मंडल अध्यक्ष भारत बजाज और अन्य पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। वीरेंद्र सचदेवाने कार्यक्रम के बाद उपस्थित लोगों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से मन की बात कार्यक्रम के द्वारा देश और दुनिया की संस्कृति और परंपराओं से हमें अवगत कराते आए हैं। उन्होंने कभी भी इस कार्यक्रम का प्रयोग राजनीतिक फायदे के लिए नहीं किया। एंटरप्रेन्योर्स ने मिलेट्स को बाजार तक पहुंचाने और उसे लोगों तक उपलब्ध कराने के प्रयास शुरू कर दिए। आंध्र प्रदेश के नांदियाल जिले के रहने वाले केवी रामा सुब्बारेड्डी जी ने मिलेट्स के लिए अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी। माँ के हाथों से बने मिलेट्स के पकवानों का स्वाद कुछ ऐसा रचा बसा था कि इन्होंने अपने गांव में बाजरे की प्रोसेसिंग यूनिट ही शुरू कर दी। सुब्बारेड्डी जी लोगों को बाजरे के फायदे भी बताते हैं और उसे आसानी से उपलब्ध भी कराते हैं। महाराष्ट्र में अलीबाग के पास केनाड़ गांव की रहने वाली शर्मिला कुशवाहा जी पिछले 20 साल से मिलेट्स की पैदावार में यूनिक तरीके से योगदान दे रही है। वो किसानों को स्मार्ट एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दे रही है। उनके प्रयासों से न सिर्फ मिलेट्स की उपज बढ़ी है बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। अगर आपको छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जाने का मौका मिले तो यहाँ के मिलेट्स कैफे जरूर जाइए। कुछ ही महीने पहले शुरू हुए इस मिलेट्स कैफे में चीला, डोसा, मोमोज, पिज्जा और मंचूरियन जैसे आइटम खूब पॉपुलर हो रहे हैं। मैं आपसे एक और बात पूछूं, आपने एंटरप्रेन्योर शब्द सुना होगा, लेकिन क्या आपने मिलेटप्रेन्योर सुना है क्या? उड़ीसा की मिलेटप्रेन्योर आजकल खूब सुर्खियों में। आदिवासी जिन्हें सुंदरगढ़ की करीब 1500 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप ओडिशा मिलेट्स मिशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ महिलाएं मिलेट्स से कुकीज, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और केक तक बना रही है। बाजार में खूब डिमांड होने से महिलाओं की आमदनी भी बढ़ रही है। कर्नाटक के कलबुर्गी में अनंत भुताई मिलेट्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी ने पिछले साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च की देखरेख में काम शुरू किया। यहाँ के खाकरा, बिस्कुट और लड्डू लोगों को भा रहे हैं। कर्नाटक के ही बीदर जिले में फुलसुर मिलेट प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी महिला ने मिलेट की खेती के साथ ही उसका आटा भी तैयार कर रही है। इससे इसकी कमाई भी काफी बढ़ रही है। प्राकृतिक खेती से जुड़े छत्तीसगढ़ के संदीप शर्मा जी ने एफपीओ से आज 12 राज्यों के किसान जुड़े। बिलासपुर का यह एफपीओ 8 प्रकार के मिलेट्स का आटा और उसके व्यंजन बना रहा है। साथियों, आज हिंदुस्तान के कोने कोने में G20 की समिट्स लगातार चल रही है। मुझे खुशी है कि देश के हर कोने में जहां भी G20 की समिट हो रही है मिलेट से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन उसमें शामिल होते हैं। यहाँ बाजार से बनी खिचड़ी, पोहा, खीर और रोटी के साथ ही रागी से बने पायसम, पूरी और डोसा जैसे व्यंजन भी परोसे जाते हैं। G20 के सभी वेन्यूज पर मिलेट एग्जीबिशन में मिलेट से बनी हेल्थ ड्रिंक, सीरियल्स और नूडल्स को शोकेस किया। दुनिया भर में इंडियन मिशन भी इनकी लोकप्रियता बढ़ाने के भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का ये प्रयास और दुनिया में बढ़ने वाली मिलेट की डिमांड हमारे छोटे किसानों को कितनी ताकत देने वाली है। मुझे देखकर भी अच्छा लगता है कि आज जितने दर्द
की नई नई चीजें मिले से बनने लगी है वो युवा पीढ़ी को भी उतनी ही पसंद आ रही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट ने ऐसी शानदार शुरुआत की थी और उसको लगातार आगे बढ़ाए थे। मैं मन की बात के श्रोताओं को भी बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब आपसे कोई टूरिस्ट हब गोवा की बात करता है तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? स्वाभाविक है, गोवा का नाम आते ही सबसे पहले यहाँ के खूबसूरत कोस्ट लाइन, बीचेस और पसंदीदा खान पान की बातें ध्यान में आने लगती है। लेकिन गोवा में इस महीने कुछ ऐसा हुआ जो बहुत सुर्खियों में है। आज मन की बात है, मैं इसे आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। गोवा में हुआ ये इवेंट है पर्पल फेस्ट। इस फेस्ट को 6 से 8 जनवरी तक पणजी में आयोजित किया गया। दिव्यांग जनों के कल्याण को लेकर यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास था। पर्पल फेस्ट कितना बड़ा मौका। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आरके जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूं पीतमपुरा में, जहां पर मन की बात की कार्यक्रम को लोगों ने यहां पे कार्यकर्ताओं ने सुना और अध्यक्ष जी आए। सर, क्या कहेंगे इस अवसर पर, क्या क्या बातें हुई? और यहां पर आज मन की बात के 97वें एपिसोड में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन पीतमपुरा मंडल में पूरी मंडल टीम के साथ, निगम पार्षद डॉक्टर अमित नागपाल जी के साथ और यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों के साथ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के सानिध्य में सुना गया। मन की बात कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, अपितु एक सामाजिक और जन जन की आवाज़ का कार्यक्रम है। आज प्रधानमंत्री जी ने पद्म विभूषण से सम्मानित कार्यकर्ताओं के बारे में, मिलेट्स के बारे में, ई कचरे के बारे में और बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इस प्रकार के कई विषयों पे जो सीधा सीधा आम आदमी से जुड़े होते हैं उनके बारे में बात की। और अभी 3 एपिसोड के बाद 100वां एपिसोड होगा। प्रदेश अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कि उस दिन जिले में 100 कार्यक्रम हो और 58 कार्यक्रम पीतमपुरा मंडल में यहाँ की टीम ने विश्वास जताया कि वो स्वयं करेंगे। हर बूथ पर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात का कार्यक्रम सुना जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी इसमें अग्रदूत की भूमिका निभा रही है, ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभा रही है, लेकिन ये समाज का कार्यक्रम है। और आज यहाँ ये हिमालय पब्लिक स्कूल में इस कार्यक्रम को किया, जिले में अनेक स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। इससे पहले पूरे विश्व में केवल एक राजनेता ऐसे हुए, राष्ट्रनेता ऐसे हुए, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जिन्होंने 1930 में 14 सालों में केवल 30 कार्यक्रम किए और आज प्रधानमंत्री जी 8 सालों में 97 कार्यक्रम करके देश की जनता को जन जागरण कर रहे हैं। बूथ पर आकर वो देश के बारे में, फौजियों के बारे में और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में बताते हैं, मैं उनका आभार व्यक्त। आज देश में जिस प्रकार से मोदी जी ने आज मिलेट के बारे में ही जैसे बताया, मिलेट के अंदर उन्होंने बताया कि मोटे अनाज का क्या फ़ायदा होता है। अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में G20 के अंदर सब जगह मिलेट का जिस प्रकार से उपयोग किया गया, उससे देश विदेशों में के अंदर हमारे देश के मोटे खाने के, मोटे अनाज की भूमिका बढ़ती जाएगी। जो मुझे लगता है मोदी जी किस क्षेत्र के हर वर्ग का, किसान का, गरीब का, खेत खलिहान के आदमी का, हर एक आदमी का जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसका ध्यान रखते हैं। मुझे नहीं लगता आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इस सोच के साथ चला और इस सोच के साथ उसने काम किया। इस प्रकार के कार्यक्रमों से हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम भी इस प्रकार के खाने के ऊपर जोर दें, हम भी जो है देश के जितने भी घूमने की जगहें हैं, हम अपने बच्चों को लोग बाहर विदेशों में लेके जाते हैं, हमारे देश में इतनी सुंदर सुंदर जगहें, मैं सबसे यही निवेदन करूँगा वो अपने बच्चों को यहीं पर ही लेके जाएँ ताकि हमारे देश का पर्यटन उद्योग भी इसी प्रकार से बढ़े। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।